उनको इसलिए लगता है जातिवाद बढ़ गई है क्योंकि इसी 90 के बाद से आप देख सकते हैं मायावती जी मुख्यमंत्री बनने लगे, लालू जी मुख्यमंत्री बने, श्री चंद्र जी जैसे आपके समाज के भाई विधायक बने, मंत्री बने, आपके पासवान जी विधायक बने, मंत्री बने, राजेंद्र राम जी, सुबेदार दास जी, शंभू राम जी, ये सब लोग जो विधायक बनने लगे, जो सामाजिक न्याय का झंडा फहराने का काम जो लालू जी ने और सभी हमारे जो पूर्वज जो नेता लोहिया जी, कर्पूरी जी, अंबेडकर जी ने जो संविधान दे करके जो हम लोगों को अधिकार और सम्मान देने का काम किया, और जब हम लोग ने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, तब इनको लगने लगा कि ये लोग जो हैं जातिवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत, बचने की जरूरत है। जगह जगह चौक चौराहों पे किस प्रकार से अंबेडकर जी की जो मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं, कितनी जगह ऐसी घटनाएं, अभी कैमूर में 3 जगह बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ा गया। ये लोग कौन लोग हैं, इनको आप लोग जानने का प्रयास कीजिए। ये वही गोवर्कर लोग के वंशज है, आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग, ये सारा मिलकर के जो मनुवादियों जितने लोग हैं, ये पूरे देश की जो संविधान की रचना जिसने की है, संविधान को ये लोग बदलने के लिए ये लोग हर एक प्रयास कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में काबिज है चाहते हैं कि संविधान को ही बदल दिया जाए, चाहते हैं कि जो आरक्षण जो हम लोगों को प्राप्त है उसको समाप्त कर दिया जाए। आपको हम बता दें कि हमने संविधान बचाओ न्याय यात्रा की जो शुरुआत की है, जगह जगह जो कोसी के इलाकों से, आपका सीमांचल के इलाकों से हमने 1 फेज 2 फेज कंप्लीट किया है, जो भारी समर्थन, जो जुटाव, जो भीड़ हो रही है, जो लोगों का प्यार और समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, आज ये लोग मनुवादी लोग घबराए हैं। आज अनंत हेगड़े कहते हैं, अनंत हेगड़े कहते हैं कि हम लोग भाजपा के लोग इसीलिए आए कि हम लोग संविधान को बदल दें। ये लोग जो हम लोगों को पूजा पाठ का, शिक्षा का, रोजगार का, स्वास्थ्य से लेकर के हर चीजों से जो हम लोगों का समाज जो वंचित रहा है, जिनको इन्होंने हमेशा से गुलाम बना करके रखने का काम किया है, आज हम अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और जो जुबान लालू जी ने आप लोगों को देने का काम किया है, आप देख लीजिए 90 से पहले क्या स्थिति थी। इसलिए हम लोगों पर निशाना बनाया जा रहा है, बदनाम किए जा रहे हैं, साजिशें हो रही है, लालू जी की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। हम आपको बता दें कि आप लोग और हम लोगों का एक दर्द का रिश्ता है, उसलिए चाहे पिछड़े हो, अति पिछड़े हो, दलित हो, मादलित हो, हम सबों का दर्द का रिश्ता है। ये कुछ चंद लोग चाहते हैं, शासन में जो लोग काबिज हो गए हैं, ये लोग हमको गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारे अधिकारों को छीनना चाहते हैं। इसलिए आज बेहद जरूरी है कि आप सब लोगों को गोलबंद होकर के संविधान बचाने के लिए, आरक्षण को जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना अधिकार मिले। हम तो ये भी मांग किए हैं कि आरक्षण को तमिलनाडु के तर्ज पे जो 70% किया गया है उस तर्ज पे हम लोगों को भी आरक्षण बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं मोहन भागवत आकर के कहते हैं भाई कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, अब बड़ा निराश होते हैं जब दलित समाज के नेता जिन्होंने दलितों ने वोट दे करके अपने लड़ाई के लिए आगे खड़ा करने का काम किया, चाहे चिराग पासवान हो, रामविलास हो, चिराग पासवान कहते हैं कि आरक्षण जो है संपन्न दलितों के लिए खत्म कर देना चाहिए। हम तो बोलेंगे आप भी तो संपन्न है, आप आरक्षण सीट से क्यों चुनाव लड़ते हैं? जगह जगह से बताइए, मतलब मनुवादियों के गोद में चले जाना, आज बता रहे थे पशुपति पारस क्यों चुनाव हारे, चंदन क्यों चुनाव जीते, क्योंकि वो मनुवादियों के गोद में चले गए। कौन से धारा के बीच में चले गए? आज जब सुबेदार दास जी, जीतन राम मांझी जी को चुनाव हरा सकते हैं, क्यों हराया? क्योंकि उन्होंने
सामंतियों से समझौता करने का काम किया है, चंद लोगों के हाथ लगाने का। आप देख लीजिए क्या स्थिति बनी हुई। कुछ लोग समाज को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा सोचिए संविधान खत्म हो जाएगा, आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको सरकारी नौकरी से लेकर के रोजगार से लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य सारी चीज न्यायालय जाने का अधिकार जो आपको मिला है उस सारे अधिकार को छीन लिया जाएगा। क्या कहा सिकंदर राम जी ने पहले कि फिर से गले में टांग देना चाहते हैं वो मटका, पीछे फिर से झाड़ू लगा देना चाहते हैं। और अभी पुणे में जो कोरे गांव में जो दलित जो जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, आरएसएस और बीजेपी के गुंडों ने किस प्रकार से उन दलितों की पिटाई करने का काम किया, लेकिन सत्ता में बैठे लोग चुप्पी साधे हुए। आप बताइए क्या दोष था उन लोगों का, क्या गुनाह था। जगह जगह देखिएगा आप लोग, हाई कोर्ट में, उदयपुर के हाई कोर्ट में भगवा ध्वज लहराने का काम करने का काम किया। ये लोग जो समाज को बांटने का काम करते हैं, जाति को जाति से लड़ाने का काम करते हैं, जो धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं, समाज में जहर घोलने का जो काम कर रहे हैं, इनसे आप लोग सावधान रहिए। दलितों को, अति पिछड़ों को, गरीब गुड़बाओं को आगे कर दिया जाता है धर्म के नाम पर। और वही लोग जब मंदिर हमारा, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने, जब मंदिर गए थे दरभंगा में, जब मंदिर से लौटे तो पूरे मंदिर को गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। आप बता दें जो हम लोगों को पूजा पाठ का अधिकार छीनना चाहते हैं, आज वो लोग सत्ता में काबिज हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि मंडल के लोग और भीम के लोग आपस में लड़ते रहे, एकजुट नहीं रहे। उसलिए हम आप लोगों से अपील करेंगे, जितने मंडलवादी लोग हैं, जितने हमारे अंबेडकर जी के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आप लोग आज जागिए। अगर ये मौका है, अगर आज आप लोग फिर से सो गए, अगर आप सड़कों पे नहीं आओगे, आंदोलन नहीं करोगे, विरोध नहीं करोगे, तो फिर से वही दिन लाएगा ये लोग। और जो लोग आपके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, लालू जी ने लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया, इन्होंने बताया मायावती जी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। मानन पार्लियामेंट में जब मायावती जी उठी बोलने के लिए, तो किस प्रकार से उनसे भेदभाव की भावना से उनको अधिकार नहीं दिया गया बोलने का, और मायावती जी ने रिजिग्नेशन देने का काम किया, इस्तीफा देने का काम किया। और उन्होंने ये बोला जब तक ये लोग सरकार में रहेंगे हम इस पार्लियामेंट में नहीं आएंगे। हमें पीड़ा है, आज पार्लियामेंट चुना है। आज लालू जी होते पार्लियामेंट में तो सोचिए क्या स्थिति होती, आज मायावती जी होती पार्लियामेंट में तो सोचिए क्या स्थिति होती। एक एक करके आपके नेताओं को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, झुकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो झुक गया उसका पाप धुल गया, जो लड़ेगा उसको ये लोग गोली मारेंगे तो जेल भेजने का काम करेंगे। ये तो आप लोग सावधान रहिए और जागरूक रहिए, लोगों की क्या स्थिति है आप लोग जानते हैं। और जब मायावती जी जब पार्लियामेंट से जब इस्तीफा देने का काम किया था, तो हमारे पिता लालू जी ने सबसे पहले कहा था, अगर बहन मायावती जी अगर आपको बोलने का अधिकार नहीं दिया गया इस्तीफा नहीं, तो घबराइएगा मत, आपको अगर जरूरत पड़े तो आपका भाई खड़ा है, आपको दोबारा राज्यसभा जाना होगा तो हम भेजेंगे अपने कोटे से और आपको पार्लियामेंट में बैठाने का काम करेंगे। परसों आपको पता होगा राज्यसभा का नोटिफिकेशन आया, परसों नोटिफिकेशन हुआ राज्यसभा का चुनाव का। लालू जी ने पहले बता दिया था कि हम बहन मायावती जी को भेजेंगे अगर उनकी इच्छा होगी तो लालू जी के जो बातें कही थी, हमने परसों शाम में तुरंत नोटिफिकेशन के कुछ चंद घंटों के बाद हमने मायावती जी को फोन किया, मायावती जी से हमने बात की। हमने बोला मायावती जी आपको पता होगा जब आपने इस्तीफा दिया था तो हमारे पिता ने सबसे पहले आपको बोला था कि आपको जब भी जरूरत होगी तो आपका भाई खड़ा रहेगा आपको पार्लियामेंट भेजने के लिए। आज नोटिफिकेशन हो गया है राज्यसभा का और हम सब लोगों की इच्छा है कि आपको पार्लियामेंट हम लोग भेजने का काम करें।
और लालू जी ने जो वचन दिया था उसको हम लोगों ने रखने का काम किया मायावती जी के सामने। मायावती जी ने बोला कि लालू जी का बड़ापन है। लालू जी ने लगातार शोषितों पीड़ितों के लिए, चाहे दलित हो महादलित हो, सब लोगों को अपना समझ के गले से लगाने का काम किया और सभी लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। हम उनको धन्यवाद देते हैं। अगर आप मिले या सूचना उनको दे पाए तो आप जरूर उनकी तरफ से आप उनको धन्यवाद देने का काम कीजिएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम तब तक पार्लियामेंट नहीं जाएंगे जब तक ऐसी शक्तियां उस मंदिर में बैठने का काम करेंगे। हम लोगों के लोग कहां जाएंगे, आपके हमारे कहां लोग बैठेंगे, कहां जाएंगे? जो मंदिर है हम लोगों का, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी निशाना बनाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इसलिए ऐसे लोगों को उस मंदिर से निकालने का काम कीजिए आने वाले चुनाव में, वरना ये सारी चीजों को तबाह कर देंगे, देश की एकता को खत्म कर देंगे, टुकड़े टुकड़े करने का काम करेंगे। इसलिए हम आप लोगों के बीच आए हैं और इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। भले ही छोटे हैं उम्र में, नौजवान हैं, 28 साल उम्र है, लेकिन फिर भी आप लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और आरएसएस ने कितना भी प्रयास किया, बीजेपी ने कितना भी प्रयास किया, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, और हमारे चाचा जी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि 28 साल के नौजवान को दबाया जाए। हम पे 25-25 मुकदमा किया गया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों द्वारा, फिर भी ना लालू जी डरे ना झुके, लड़ने के लिए तैयार है। 70 साल बुढ़ापा हो गया, बाढ़ पक गया, लालू जी भी तैयार है, उनका बेटा नौजवान 28 साल का है, वो भी हम लोग डरने वाले। जब इतना बड़ा समर्थन, जब लालू जी को चाहने वाले इतने करोड़ों लोग जब बैठे हैं उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए, तो हम लोग कैसे डर जाएंगे या झुक जाएंगे? ये मनुवादियों को सत्ता से निकाल करके रहेंगे। और जिस प्रकार से नीतीश जी ने जो धोखा देने का काम किया, ये धोखा लालू जी को धोखा नहीं था, ये धोखा राष्ट्रीय जनता दल को धोखा नहीं था, ये धोखा पूरे बिहार के जनादेश का धोखा देने का काम किया नीतीश जी ने। आप लोगों को धोखा देने का काम किया, जिस खूंटा से लालू जी ने छुड़ाने का काम किया आप लोगों को, वापस उसी खूंटा पे नीतीश कुमार जी ने बांधने का काम किया है। इसलिए नीतीश जी बड़े बेरूपिया हैं, कब कौन सा रंग बदल लेंगे, रूप ले लेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। आप बताइए, 4 साल में 4 सरकार बना दिए नीतीश कुमार। जनता का जनादेश 5 साल के लिए होता है एक सरकार के लिए, लेकिन हिंदुस्तान में, इतिहास में पहला ऐसा राज होगा जहां 4 साल में 4 सरकार नीतीश जी ने बनाने का काम किया और बिहार के विकास को चौपट करने का काम किया नीतीश जी ने, बिहार को बर्बाद करने का काम किया है। इसलिए आप लोग जागरूक होइए। आज क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में, किसको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही, लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा, पेपर लीक हो जा रहा है परीक्षा में, घोटाले पे घोटाला, सृजन घोटाला, धान घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला। और हम तो ये भी मांग करते हैं कि ये जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, हम बार बार नीतीश जी को कहते रहे जब हम अति पिछड़ा विभाग भी मेरे पास था, पिछड़ा विभाग भी था, दलितों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, अति पिछड़ों को जो छात्रवृत्ति मिलती थी, पिछड़ों को और जनजातियों को जो छात्रवृत्ति मिला करती थी, हमने बोला था नीतीश जी को कि इसको ऑप्शनल कर दीजिए, 7 हिस्से के तहत जो योजना है स्कॉलरशिप का जो पहले से चलता था, 7 हिस्से के बाद जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लोन देने की जो बात थी, हमने कहा था कि छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति होता है और लोन लोन होता है, जिसको छात्रवृत्ति मिल रहा है उसको ऑप्शनल रखिए और जिसको लोन होना होगा लोन लेगा, जिसको छात्रवृत्ति लेना होगा छात्रवृत्ति लेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ऐसा अमल नहीं किया। आज पूरे तरीके से इंजीनियरों की परीक्षा में जिस प्रकार से मेरिट पे नहीं लिया जा रहा, रिटेन परीक्षा नहीं ली जा रही, पूरा जूनियर इंजीनियर से लेकर के पूरा खाली हो चुका है, इंजीनियरों की भारी कमी है। लेकिन इसलिए रिटर्न ऑफ मेरिट पे नहीं लिया जा रहा है ताकि भेदभाव इंटरव्यू के आधार पे
हर चीज डिग्री ला और नौकरी दे दो, इंटरव्यू के आधार पर सबको रोजगार दिलाने का काम करो और आप लोगों को छांटने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। इसलिए आप लोग जागरूक रहिए। ये सरकार में बैठे हुए लोग बोलते थे दलितों को 3 डेसिमिल जमीन देने का काम करेंगे, बताइए कितना डेसिमिल जमीन मिल गया? क्या हुआ? ये लोग जुमलाबाजी करते हैं। लालू जी जो कहते थे वो करके दिखाते थे, क्या नारा लगाते थे लोगों को शिक्षित करने के लिए, चरवाहा विद्यालय खोला गया, लेकिन सामंत के लोगों ने उसका मजाक उड़ाने का काम किया। लेकिन यूनाइटेड नेशन में, यूएन में इसकी प्रशंसा हुई, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता। लोग बोलते चरवाहा विद्यालय, क्या लालू जी ने नारा लगाया था? गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, सुअर पालने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, जो शिक्षा जो हमारा आधार है, जिससे वंचित किया जाता था गांव देहात में, पहले बकरी चलाने के लिए, भैंस चलाने के लिए लोग को खेत में चले जाते थे, बच्चे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता था, आर्थिक रूप से इतने कमजोर रहते थे, जो अंतिम मैदान पर जो खड़ा व्यक्ति था। तो लालू जी का यही था कि अपने पशुओं को भी खिलाए पिलाए, चारा जो है वो लोग चरने का काम करे और साथ ही साथ वो लोग शिक्षा भी ग्रहण करे, उसी दोनों काम हो जाएगा। देखिए इसका कितना भारी मजाक उड़ाया है। तो हमको कुछ कहना नहीं है, लेकिन उसी लालू जी के राज में 7-7 विश्वविद्यालय मिले, उसी लालू जी के राज में परमानेंट शिक्षकों की नियुक्ति हुई। आप पूछ लीजिए नीतीश कुमार जी 13 साल में कितने विश्वविद्यालय देने का काम किया, कितना परमानेंट नौकरी देने का काम किया, अपने आप को विकास पुरुष कहते हैं। नीतीश कुमार जी विकास पुरुष नहीं, ये विनाश पुरुष है, इन्होंने बिहार का विनाश करने का काम किया। और जो मांगे आप लोगों ने रखने का काम किया, सारी मांग हम उस सभी मांगों से हम लोग सहमत समर्थन किया, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ये लोग कदापि ये लोग अमल नहीं करेंगे। आप लोग प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहते हैं, प्रणोति में आरक्षण चाहते हैं, केंद्र सरकार में कितने एमपी हैं, कितने जीत कर गए हैं बिहार से, मैंडेट इतना भारी जनादेश मिला हुआ है, और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, राज्य में भी उन्हीं की सरकार, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार, काहे नहीं करवा देते? क्यों नहीं कर रहे हैं वो लोग केंद्र में बैठे हुए? पीएमओ का हालत देखिएगा तो एक ही जाति के लोग भरे पड़े हैं, पूरा प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल देखिएगा तो वही लोग बैठे हुए हैं, एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं। आप लोगों को कहां जगह मिली है, किसको जगह मिली है? ये पूरा साजिश हो रहा है, इससे आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जो श्री चंद्र जी ने बताया, जब महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोगों ने छुट्टी का ऐलान हम लोगों ने करने का काम किया था, लेकिन छुट्टी जो थी रविदास जी को लेकर के वो केवल सरकारी दफ्तरों में थी, स्कूलों में नहीं थी। चलो स्कूलों में अगर छुट्टी नहीं देना है छुट्टी मत दो, लेकिन बाबा रविदास जी ने जो शिक्षा जो बताने का काम किया है, उनकी पाठ को पूरा दिन पढ़ाया जाए, उस दिन पूरी पढ़ाई लिखाई जो शिक्षा देने का काम किया, उस दिन छात्र छात्राओं को उसकी शिक्षा दी जाए, उस दिन ये हम लोगों की मांग है। और जो ममता दीदियां हैं, जो अस्पतालों में लगभग 6500 ममता दीदियां हैं, ज्यादातर दलित महिलाएं हैं, उसमें महादलित महिलाएं हैं, और उनको एक बच्चा पैदा होने पर एक शिफ्ट में 4-4 या 5-5 दीदियां होती हैं, और एक बच्चे पर उन पांचों चारों को 300 रुपया मिलता है। तो हम चाहेंगे, सोचिए 300 मिलता होगा तो आपस में बांटेंगे तो क्या मिलता होगा? तो हम लोग चाहेंगे कि महीना जो है उनका तय हो, फिक्स मंथली उनका जो है वो उनको सैलरी फिक्स हो जाए, ये हम लोगों की मांग है। लेकिन सरकार में बैठे हुए लोग ये लोग नहीं करेंगे, लेकिन आपकी सरकार आएगी, गरीबों की सरकार आएगी, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आएगी, तो इन सारे वादों को हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। हर बात देखने जो विकास मित्र हैं, जो विकास मित्र हैं, आप समझिए कि पंचायत जो सेवक हैं उनके बराबर में है, लेकिन उनका 10,000 रुपए और पंचायत सेवकों को 40,000 के करीब है। हम तो चाहेंगे कि उनको जो रकम है, जो सैलरी है, कम से कम उतना हम लोग वृद्धि हम लोग करने का काम करें, उतना सैलरी हम लोग दिलाने का काम करें। और बाबा साहब
और रविदास जी की, सारे स्कूलों में पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए स्कूली बच्चों को, ये हम लोग चाहते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर का जो किताब है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसको विश्वविद्यालय में, इसको पाठ्यक्रम में जोड़ा जाए, सिलेबस पे जोड़ा जाए, ये हम लोगों की मांग है। ज्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन क्या स्थिति बनी हुई है, लगातार दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं। नीतीश जी ने जो हम लोग सरकार में आने के बाद जो पूर्ण रूप से शराबबंदी करने का काम किया था, जब तक हम लोग सरकार में थे मजबूती के साथ शराबबंदी लागू था, लेकिन जैसे हम लोग हटे हुए आप स्थिति देख सकते हैं। क्या हो गया, होम डिलीवरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर जगह शराब की बिक्री हो रही है। आप हमको एक बात बता दो कि शराब के कानून से कितने गरीब जेल गए, केवल और केवल गरीब जेल जा रहा है। जो माफिया है, जो अमीर है, वो होम डिलीवरी करके शराब मंगा रहा है, ड्राइंग रूम में पी रहा है, लेकिन वो जेल नहीं जा रहा। जेल कौन जा रहा है, दलित जा रहा है, महा दलित जा रहा है, पिछड़ा जा रहा है, कि पिछड़ा जा रहा है, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है, जो खुद का भेद भी नहीं करा पा रहा है, ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया जा रहा है। आप अपने खेत में अपना मिट्टी नहीं खोद सकते, आप अपने खेत में अपना मिट्टी खोदोगे तो आपको भी जेल भेज दिया जाए। ये स्थिति, कौन कौन सा कानून ये लोग ला रहे, बालू मिट्टी गिट्टी सारा बंद करा करके किन लोगों के पेट पे लात मारने का काम किया है, सारे मजदूरों के पेट पे लात मारने का काम किया है, शोषित समाज के लोगों पे लात मारने का काम किया है। कौन लोग है मजदूरी कौन लोग करते हैं, कौन जाति के लोग हैं, कौन लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं, कौन लोग भीख मांगने का काम करते हैं, कौन लोग एक कमरे में बसर करने का काम करते हैं, तो ये लोग कौन जात के लोग हैं। इसी को लेकर के लालू जी आंदोलन किया था, जो शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे जो जाति जनगणना हुई थी उसको सार्वजनिक करने की मांग थी, उससे पता चल जाता कौन सा परिवार गरीब है, उसके लिए अलग से बजट बना के अलग से प्रोविजन किया जाता और आप लोगों के साथ आर्थिक न्याय किया जाता, लेकिन केंद्र में बैठे लोग उस जाति जनगणना को सार्वजनिक नहीं करते। आज आरक्षण की क्या स्थिति होगी, जिसकी 85% है उसको 49% में रह जाना पड़ रहा है, जिसका 15% आबादी है उसको 51% आरक्षित हो गया, यानी जो मेरिट से भी लड़का आएगा उसको जेंडर में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जेंडर में नहीं जोड़ा जाएगा। तो सोचिए धीरे धीरे जो है आरक्षण आपका समाप्त किया जा रहा है, और हम लोग यहां बैठ करके ये तय कर रहे हैं कि हम लोगों को आरक्षण लेना है। यहाँ बैठे बैठे आरक्षण मिल जाएगा, यहाँ बैठे बैठे आरक्षण बढ़ जाएगा, यहाँ बैठे बैठे आप लोगों का संविधान जो है बच जाएगा। इसके लिए क्या करना चाहिए, तो आप लोग तैयार हैं? ये जो आने वाली जो लड़ाई है, इस बार आप लोग सबक सिखा दीजिए, बेहद जरूरी हो गया है। नंदन गांव में नीतीश कुमार जी गए, दलितों का, मां दलितों का दुख दूर करने के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ये तो दर्द और धंधे बरसाने के लिए वहां चले। कितने गर्भवती महिलाएं, मां दलित महिलाओं को घसीट घसीट करके पीटा गया, आज ही रात में बिना महिला फोर्स के थाने ले जाया गया। अगर आपका भाई वहां नहीं जाता तो उन महिलाओं का जो FIR जो है वो वापस नहीं होता, बेल जो है वो नहीं होता। हम गए वहां, सैनिक मरते शहीद मरते, हम जाते हैं वहां पे और सरकार के नुमाइंदे उनकी बेइज्जती करते, सम्मान नहीं करते, तो कम से कम अपमान मत करो। कहते हैं कि मंत्री के जाने से शहीद जिंदा हो जाएगा, अरे जिंदा तो नहीं होता लेकिन उनके परिवार का मनोबल ऊंचा हो जाता, सम्मान मिल जाता, लेकिन नहीं गए। मुख्यमंत्री के पास इतना भी समय नहीं था कि उनके परिवार से फोन करके पूछ लेने का काम करे। कल मुजफ्फरपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई, 31 बच्चों को बीजेपी के महामंत्री ने कुचल दिया करोड़ों कार्ड से, 9 से 12 बच्चों की जान चली गई। और सुशील मोदी जी कहते हैं कि हमारा बीजेपी के पार्टी का नहीं था, गाड़ी में बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ था, पदाधिकारी महामंत्री भाजपा, गाड़ी का नंबर, झंडा। और जब सुशील मोदी जी को शर्म आना चाहिए कि किस तरह से पल्ला झाड़ने का काम किया,
पहले कूद कूद करके जाते थे, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, आतंक राज है, जंगल राज है, गरीब का राज था तो जंगल राज था। आज जब गरीब मर रहा है, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, मजदूर बेहाल हो गया, तो आज ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी का नहीं था, ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने साजिश की होगी। बताइए मासूमों का क्या कसूर था? मुख्यमंत्री के पास इतना संवेदना नहीं, हेलीकॉप्टर पड़ा हुआ 15 मिनट में मुजफ्फरपुर पहुंच जाते, 15 मिनट परिवार से मिल लेते और 15 मिनट में वापस आ जाते, इतना समय लगता। लेकिन एकदम जापान चले जाएंगे, लेकिन बिहार बर्बाद हो रहा है, गरीब मर रहा है, उनके दुख दर्द में शामिल नहीं होंगे, हम वहां पहुंचे कर आवाज उठाई। और एक एक सुशील मोदी के साथ उस आदमी का फोटो हमने ट्विटर पे ट्वीट किया, नीतीश कुमार जी का फोटो ट्वीट किया। आप बताओ वही आदमी जिससे कुचलने का काम किया वो नीतीश कुमार के हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया थी कड़ी सुरक्षा में, कैसे? सुशील मोदी जी के बगल में बैठा हुआ और भाजपा के अनेक अनेक नेताओं के साथ वो व्यक्ति बैठा हुआ, अब तक नहीं पकड़ा गया है। वो दारू पी करके गाड़ी चलाने का काम किया था, उससे बचाया जा रहा है। पहले 2 महिलाओं को कुचला, उससे बचने के लिए अर्बन में जितने बच्चे स्कूल से लौट रहे थे सबको कुचल दिया, 32 लोग में से 12 लोग मर गए। कोई संवेदना नहीं, कोई दुख नहीं, कुछ भी नहीं। लोग चाहते हैं कि न्यूज को दबा दिया जाए, हमारी आवाज को दबा दिया जाए, हम लोग उन पे साजिश हो रही है। आपको हमने बताया, हम पे तो मुकदमा 25-25 किया, गुनाह क्या बोला कि तेजस्वी जब 13-14 साल का था तो रेलवे में बैठ करके घोटाला करने का काम करता था, बताइए। तब हमारा मूंछ भी नहीं था, हम पढ़ते थे, खेलते थे, और जब बिहार के उप मुख्यमंत्री बने आप लोगों के आशीर्वाद से, इतने ईमानदारी से हमने काम करने का काम किया। बताए नीतीश कुमार, अगर हमने 18 महीने में अगर कोई गलत काम किया है तो आप बताने का काम कीजिए। पूरे बजट का राशि हमारा डिपार्टमेंट नंबर 1 था, सारे डिपार्टमेंट में सबसे नंबर 1 डिपार्टमेंट मेरा था, उसने ये रिपोर्ट कार्ड भी नहीं पेश किया, तो हर साल रिपोर्ट कार्ड पेश होता, इसलिए नहीं पेश हुआ था कि तेजस्वी आगे निकल जाता, इसलिए लोगों ने रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं करने का काम। विधानसभा में हमने कितनी बार बोला, लेकिन एक जवाब नीतीश कुमार जी ने, किसी भी सवाल का जवाब नीतीश कुमार जी ने नहीं देने का काम। आज सुशील मोदी जी लगातार लूट रहे हैं, उनका परिवार लूट रहा है, कोई जांच नहीं हो रहा। गिरिराज सिंह दलित का जमीन हड़प लिया, आपका भाई आवाज उठाया, लेकिन कोई जांच नहीं हो रहा, जांच केवल एक ही परिवार एक ही नेता का हो रहा है, लालू जी का हो रहा है, हम लोगों का 90 से लेकर 2018 तक एक ही लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। क्यों पीछे पड़े हुए, ये समझने की जरूरत है। ये लोग जानते थे कि लालू जी जब तक खड़े रहेंगे किसी के माइकल लाल में दम नहीं है, जो संविधान और आरक्षण, इसलिए लालू जी और तेजस्वी बहाना है, असली निशाना आप लोग है, असली निशाना आरक्षण है, असली निशाना संविधान है, इसलिए लालू जी को जेल भेजा गया ताकि दबाने के प्रयास किया जाए। अगर हम लोगों को सत्ता की लालच होता, कुर्सी का लालच होता, तो आज हम लोग भी अपने विचारधारा से समझौता करके बीजेपी से हाथ मिला के आ जाते, हम बिहार के मुख्यमंत्री बने होते। लेकिन नहीं, लालू जी का इतिहास उठा के देख लीजिए, आज तक उन्होंने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया है। और लालू जी ने तो ये जानते हुए भी कि नीतीश जी बीजेपी से मिल करके उनको जेल भिजवाए, फिर भी बिहार का मुख्यमंत्री बनाया आप लोगों के लिए, बिहार के विकास के लिए, देश की एकता के लिए, क्योंकि नहीं चाहते थे लालू जी की सांप्रदायिक शक्तियां देश में काबिज हो जाए, बिहार में घुस जाए, इसलिए लालू जी ने हम लोगों ने समझौता नहीं किया और नीतीश कुमार जी के साथ महागठबंधन बना के उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं कि हमको प्रधानमंत्री मत बनाओ, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मत बनाओ, हमको चौकीदार बना दो। आज चौकीदारी ऐसी की है कि देश का काला धन नहीं ला रहे बल्कि सफेद धन विदेश भिजवाने का काम कर रहे हैं। नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गए, ललित मोदी भाग गया, हम तो ये भी कहते हैं सुशील मोदी जी का भी पासपोर्ट जब्त कर लीजिए, ये लोग भी भाग तैयार कभी भी भाग सकते। भाई सृजन घोटाला, रेखा मोदी, वशी मोदी, लगातार करोड़ों का ट्रांजेक्शन,
फिर भी जांच नहीं हो रहा भाई, गजब बात है। गिरिराज सिंह दलितों का जमीन हड़प रहा है, कोई जांच नहीं हो रहा। नीतीश कुमार खुद सजायाफ्ता है, चोरी के इंजाम में उनको पटियाला कोर्ट ने 20,000 का जुर्माना दिया। बोले कि जुर्माना उतरो नीतीश कुमार जी, आपने किताब की चोरी की है, जो बिहार का विशेष राज्य का दर्जा की जो किताब थी, किसी और का लिखा हुआ किताब अपने नाम से छपवा के बंटवाने लगे। बोले तुम लिखे, खुद पे हत्या का मुकदमा चल रहा है, लेकिन कोई जांच नहीं हो रहा। अब कौन जांच करेगा? प्रदेश का मुख्यमंत्री और राज्य स्टेट वर्सेज नीतीश कुमार है केस, कोर्ट कचहरी में मुद्दालय है, समझिए नीतीश कुमार और मुद्दालय है आपका, नीतीश जी तो आपके मुद्दालय हो गए आपके बिहार सरकार, और आपके वो हो गए नीतीश कुमार मुदई। तो ये सारा जो केस है स्टेट वर्सेज नीतीश कुमार, कहां से जांच होने वाला है? उसलिए इनके झांसे में आप लोग मत आइए, आप लोग एकजुट होने का काम कीजिए और लालू जी के हाथ को मजबूत करने का काम कीजिए और राष्ट्रीय जनता दल के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए, ताकि गरीबों का सरकार बन सके। तो ज्यादा कुछ ना कहके हम शिवचंद्र जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे कि जिस प्रकार से बिहार में घूम घूम करके रविदास चेतना मंच के माध्यम से गरीबों में चेतना भरने का काम कर रहे हैं और इतना भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं, इतना सफल कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके लिए हम इनके और इनके तमाम साथियों को, अपने पार्टी के सभी विधायकों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं और बधाई देने का काम करते हैं। और एक बात जरूर बोलेंगे, जब आप लोग की लड़ाई होगी, जब भी आप लोगों को जरूरत होगा, तो आपका ये भाई, आपका बेटा सबसे आगे मिलेगा आपकी लड़ाई में। इतना कहके हम चाहेंगे एक बार हाथ उठा करके आप लोग अपने भाई बेटे को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आप लोग सभी लोगों को हम दिल से बधाई देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय भीम, जय मंडल, जय हिंद, धन्यवाद।